हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग का बिहार स्टेट का जो एग्जाम होने वाला है, प्रिपरेशन आप लोग की हो गई होगी, प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए, आप लोग की हेल्प करने के लिए मैं आज की प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले जो स्टेट हुआ था उसमें काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी था, आप लोग का क्लियर हो गया था, तो इस बार भी आप लोग की प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसकी अलग से एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, जिससे पहले क्वेश्चंस मैंने कराए थे, आप तो उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले तो बटन सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परीक्षा जांच से निम्न में कमी आती है। टेस्ट टेकिंग रिड्यूस द वर्क ऑफ एन ऑडिटर, लेबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टेस्ट टेकिंग होती है, क्योंकि जब हम ऑडिटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर टेस्ट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जो होते हैं आपकी बुक्स जो बनाई हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, तो सबको चेक करने के बजाय ऑडिटर कभी कभी क्या करता है, उसको जो कुछ पिक कर लेता है और चेक कर लेता है। क्योंकि जैसे स्टैटिस्टिक्स है, उसमें क्या होता है, हम एक अपना आपको पता ही होगा कि एक बड़ा समूह होता है, उसमें से कुछ अलग एक नादर्स के तौर पर चुन लिया जाता है एक सैम्पल, उस सैम्पल की चेकिंग की जाती है। ये माना जाता है कि उससे जो भी रिजल्ट आते हैं वो सब पर भी लागू होते हैं, पूरे जो भी होगा आपका ग्रुप उसके ऊपर। इसी तरह इसमें परीक्षा जांच की जाती है, तो इस तरह से अगर टेस्ट टेकिंग करी जा रही है तो उससे किस चीज़ में कमी आएगी? जो अपेक्षा का लेखा परीक्षक होगा उसके कार्य में कमी आएगी, या फिर लेखा परीक्षक के दायित्व में? तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखिएगा, गलती से आप लोग ए और बी दोनों टिक मत कर दीजिएगा। दायित्व में कमी नहीं आती, आप जो भी अपेक्षक है, ऑडिटर है, वो चाहे परीक्षा जांच करे या फिर गहन जांच करे या फिर सारी चीज़ों की जांच करे, उसके दायित्व में लाइबिलिटी में कमी नहीं आएगी। जो लाइबिलिटी उसकी बन रही है उतनी ही रहेगी, हाँ उसका कार्य कम हो जाता है, वर्कलोड कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, अक्सर बच्चे ए और बी दोनों में टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा, लाइबिलिटी कम नहीं होगी, वर्कलोड कम हो जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक सरकारी कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट डैश को सौंपता है। द स्टेटरी ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू डैश। द बीओडीज ऑफ द कंपनी, बीओडीज क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसको कहा जाता है। द लेजिस्लेचर, द टैग, द कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? एक सरकारी कंपनी की बात की जा रही है, गवर्नमेंट कंपनी की बात की जा रही है। तो वहाँ पर उसका जो ऑडिटर होता है, क्योंकि स्टेटरी ऑडिट वहाँ पर कंपल्सरी होता है, तो स्टेटरी ऑडिटर जो होता है वो अपनी रिपोर्ट किसके सामने रखता है या किसको प्रस्तुत करता है? तो वो कैग को रखता है। कैग की फॉर्म क्या होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो कैग होता है, महालेखा परीक्षक जो होता है, उसके उसके सम्मुख रखता है, उसके साथ। कैग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ द इंडिया, कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आंतरिक अंकेक्षक या लेखा परीक्षक होगा उसकी नियुक्ति कौन करता है? जब आंतरिक लेखा परीक्षक की बात हो रही है तो निदेशक मंडल शेयरधारक या फिर जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या फिर कंपनी सचिव। तो यहाँ पर ये वाला तो सीधे ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक लेखा परीक्षक है इससे मतलब ही नहीं है। कौन उसकी नियुक्ति करेगा, किसके द्वारा की जाएगी? वो हो जाते हैं जो कंपनी का निदेशक मंडल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके द्वारा की जाती है। नॉर्मली जो अंकेक्षक होता है, जो कंपनी का अंकेक्षक होगा, उसकी नियुक्ति क्या होती है? उसकी नियुक्ति सदस्यों द्वारा जो अंशधारी होते हैं वहाँ पर की जाती है। लेकिन जो आंतरिक लेखा परीक्षक होता है, एक कंपनी में एक कर्मचारी की तरह काम करेगा, उसकी जो नियुक्ति की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपनीज फॉर एन इंडिविजुअल ऑडिटर टू ऑडिट अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन जी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के धारा जी के अंतर्गत एक व्यक्तिगत लेखा परीक्षक के लिए कंपनी की ऑडिट की अधिकतम सीमा क्या होती है, कि जो कंपनी का ऑडिट होता है वो किसकी लिमिट तक करवाया जाता है? 10, 15, 20 या फिर कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो इसके अनुसार क्या लिमिट रहती है? इसकी जो लिमिट हो जाती है वो हो जाएगी 20। 20 की लिमिट रहती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे एग्जैक्टली कि एक ऑडिटर जो होता है
वो किसी भी कंपनी में कितनी बार जो होता है व्यक्तिगत रूप से ऑडिट कर सकता है, तो यहाँ पर उसकी जो अधिकतम सीमा होती है वो 20 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर, द क्लाइंट, द ऑडिट असिस्टेंट और हिज ऑडिट असिस्टेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो कौन प्रिपेयर करता है, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम जो होता है किसका होता है, ऑडिटर का होता है, कि ऑडिट किस तरह से करेगा वो, तो कौन उसको प्रिपेयर करेगा, ऑडिटर ही प्रिपेयर करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन मत के तहत कर योग्य आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा पूरी तरह से कर योग्य नहीं है? विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फुली टैक्सेबल, कमीशन, बोनस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, डेयरनेस अलाउंस। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो सैलरी हेड होता है उसके में जो कर योग्य इनकम या जो टैक्सेबल इनकम हम लोग निकाल रहे होते हैं, तो उसमें कौन से ऐसे इनकम है जो उसमें से पूरी तरह से कर योग्य नहीं होती, टैक्सेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर कौन से इनकम पूरी तरह से टैक्सेबल नहीं होती, जो बच्चों की शिक्षा होती है, बाकी तीनों तो रहती है, लेकिन जो बच्चों की शिक्षा का भत्ता होता है यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, उसमें जो बच्चे होते हैं वहाँ पर 300 पर चाइल्ड के अकॉर्डिंग 2 चाइल्ड तक क्या रहता है आपको गवर्नमेंट से मिलती है, इसके एक्स्ट्रा जो अगर आप दे पे कर रहे हैं तो वहाँ पर वो टैक्सेबल होती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पूर्णकालिक शिक्षा के लिए भारत के किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षिक संस्थान में ट्यूशन फीस का भुगतान है। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन फॉर डैश इज एलिजिबल टू क्वालिफाई फॉर डिडक्शन सेक्शन 80C। मैक्सिमम 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 4 चाइल्ड, 3 चाइल्ड। अभी तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि कितने बच्चों तक रहता है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक जो रहती है उसकी दी जाती है फीस में भुगतान में छूट, उसके से जितना भी होता है वो सब टैक्सेबल हो जाता है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम किस तिथि से संपूर्ण भारत में प्रभावी हुआ? फ्रॉम विच डेट द इनकम टैक्स एक्ट बिकेम इफेक्टिव इन होल ऑफ इंडिया? 30 मार्च, 31 मार्च 1962, 1 अप्रैल 1961, 31 मार्च 1961, 1 अप्रैल 1962। तो प्रीवियस में मैंने जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए थे तो वहां पर ऐसे ही एक क्वेश्चन था जब वहां पर था कि प्रथम बार कब आया था, तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा कि भारत ने संपूर्ण भारत में जो लागू हुआ था आयकर अधिनियम के अकॉर्डिंग वो कौन सा था? तो यहाँ पर 1962 में हुआ था, लेकिन डेट्स में ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1962 को हुआ था ना कि 31 मार्च को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह राष्ट्रीय विकास और आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अच्छा है। दिस इज गुड फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटनिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, टैक्स गाइडेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स डिविजन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट की या उसको स्ट्रेटन करने की, तो ऐसे सिचुएशन में इसमें से कौन सी चीज़ जो होती है वो अच्छी रहेगी, सही मानी जाती है। तो यहाँ पर जो कर बचाव होता है वो भी गलत है और कर चोरी भी गलत है, यानी कि अवॉइडेंस और एवेजन दोनों ही गलत है। क्या सही है, टैक्स की प्लानिंग करना। अगर आप कर योजना बना रहे हैं, कर नियोजन कर रहे हैं, टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो अच्छा माना जाता है। एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। टैक्स प्लानिंग में यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट इस तरह से करिए, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए या इस तरह की कोई भी जीवन बीमा प्रीमियम ले लीजिए, कुछ भी इस तरह कर लेते हैं आप, तो जिसमें आपको छूट मिल रही है, जो भी सेक्शंस 80 की दे रखी हैं जिसके अंदर डिडक्शन दी जाती हैं, तो उसे आप टैक्स का क्या कहते हैं, प्लानिंग करना कहते हैं। लेकिन अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, बच रहे हैं उससे या उसकी चोरी कर रहे हैं, तो वो गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्थ की आय को किसकी आय में शामिल किया जाता है? इनकम ऑफ माइनर, इनकम ऑफ चाइल्ड इज इंक्लूडेड इन द डैश, फादर, मदर, हुज इनकम इज हायर, नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक अवस्थ है यानी कि 18 ईयर्स से नीचे है, कम आयु है इसकी, तो 18 ईयर्स से कम आयु का व्यक्ति क्या कहलाता है, माइनर हो जाएगा। तो उसकी इनकम जो हो रही है, क्योंकि जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं,
जैसे कि बच्चे हैं, आपने देखा ही होगा आजकल उनकी भी इनकम बहुत अच्छी हो रही है, तो उनकी जो इनकम होती है उसको किसकी आय में शामिल किया जाता है, तो उसको जिसकी भी आय अधिक होगी मदर या फादर में से उनकी इनकम में जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ऑडिटर की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? अंडर विच सेक्शन अ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड? 224, 228, 230, सबसेक्शन ए, 251। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक कंपनी अंकेक्षक होता है उसकी नियुक्ति जो होगी वो किस सेक्शन के अंतर्गत की जाती है, तो उसकी नियुक्ति जो की जाती है तो सेक्शन 224 के अंतर्गत की जाती है, सेक्शन 224 के अंतर्गत की जाती है। कहाँ पर की जाती है? तो कंपनी की जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं वहां पर अंशधारियों के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शाखा लेखा परीक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, द ब्रांच ऑडिटर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द डैश, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनीज ऑडिटर, फाइनेंस कंट्रोलर, कंपनी लॉ बोर्ड। तो जो शाखा लेखा या फिर ब्रांच अकाउंटिंग जो होती है तो वहाँ पर जो शाखाएं होती हैं उसका जो ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट को कहाँ पर प्रस्तुत करता है या किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, तो वो अपनी रिपोर्ट को जो कंपनी का जो मेन हेड ऑफिस होगा, जो हेड ब्रांच होती है उसका जो ऑडिटर होता है उसके समक्ष प्रस्तुत करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, स्टेटरी ऑडिटर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आंतरिक लेखा परीक्षक होता है उसको कौन नियुक्त करता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा है। इसकी नियुक्ति जो की जाती है कौन करेगा, या तो संचालक मंडल दे रखा होता आपका आंसर तो वो भी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रबंधन दे रखा है मैनेजमेंट तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑर्डर की नियुक्ति जो होती है जनरल ऑर्डर जो होता है नॉर्मली उसकी करते हैं शेयर धारक शेयर होल्डर्स एनुअल मीटिंग में, लेकिन अगर आंतरिक लेखा परीक्षक है तो उसकी प्रबंधन करता है या फिर अगर संचालक मंडल होगा तो वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर ऑडिट किस अवधि के लिए किया जाता है? जनरली ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द फॉर द पीरियड ऑफ डैश, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, अनसर्टेन पीरियड। तो ऑडिट जो होता है किस अवधि के लिए होता है, तो सामान्य तौर पर जो ऑडिट होता है वो लेखांकन वर्ष के समाप्त होने के बाद, जब आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे जो आपके अकाउंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं कंप्लीट बन चुके होते हैं फाइनल अकाउंट्स, तो उसके बाद किया जाता है, जिसकी अवधि मोस्टली एक वर्ष की रहती है, तो एक वर्ष की अवधि के बाद होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय की पुस्तकों और अभिलेखों की व्यवस्थित जांच कौन सी है? विच इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेस, ऑडिटिंग, वॉचिंग, वेरिफिकेशन, चेकिंग। तो ये सारी ही चीजें क्या हैं, ऑडिटिंग से ही रिलेटेड हैं। व्यवस्थित जांच की यहाँ पर बात हो रही है कि जो बुक्स और रिकॉर्ड्स रखे गए हैं उसकी व्यवस्थित जांच क्या कहलाती है, तो यहाँ पर वो कहलाती है ऑडिटिंग अंकेक्षण। और ये वाउचिंग, वेरिफिकेशन, चेकिंग, ये सब किसके अंतर्गत ही आ जाता है, ऑडिटिंग अंकेक्षण में ही आ जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा जारी रहने के दौरान मिलने वाली ग्रेजुटी सभी कर्मचारियों, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी के हाथ में होती है। ग्रेजुटी रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, फुली एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड अप टू ₹2 लाख पर एनम, एग्जेम्प्टेड अप टू ₹5 लाख पर एनम, फुली टैक्सेबल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो ग्रेजुटी होती है, जब आप जो भी व्यक्ति है चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो, अपनी सेवाएं दे रहा है, सर्विस कर रहा है, उसी ड्यूरिंग सर्विस जो ग्रेजुटी उसको राशि मिल रही है वो राशि क्या होती है, करयोग्य होती है, छूट मिलती है, 2 लाख तक मिलेगी या 5 लाख तक मिलती है, तो सर्विस के पीरियड में जो उसकी ग्रेजुटी की राशि होती है वो क्या रहेगी, पूरी तरह से करयोग्य होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि फुली टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वेतन शीर्षक के तहत कर योग्य नहीं होगा? एज पर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, सैलरी इनकम ऑफ MPs एंड MLAs, सैलरी एंड अलाउंसेस रिसीव्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जज, सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से जो आपके चार ऑप्शंस दे रखे हैं कौन सा होगा जो वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगा या वेतन शीर्षक में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर चाहे वो टैक्सेबल हो या ना हो उसको शामिल ही नहीं करेंगे सैलरी हेड में, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा,
सांसदों को और विधायकों को जो वेतन होता है, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा प्राप्त वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कौन सा पेड़ नहीं होता, तो इसमें जो सैलरी इनकम ऑफ MPs एंड MLAs होती है वो सैलरी हेड के अंतर्गत शामिल नहीं होती या फिर करयोग्य नहीं होती, टैक्सेबल नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसको कहाँ पर से शामिल करते हैं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड जो होता है उसमें इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयकर प्रथम बार किस वर्ष लागू किया गया था, इन विच ईयर फर्स्ट इनकम टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, 1850, 1860, 1886, 1961। तो भारत में प्रथम बार, तो अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था, बहुत ही सिंपल सा है, प्रथम बार पूछा है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1860 में पहली बार लगाया था, किसने लगाया था, जेम्स विल्सन ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन कंटेंस डैश नंबर्स, पैन में डैश कितनी संख्याएं होती हैं, तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपसे पूछा था कितने अल्फाबेट्स होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि नंबर्स कितने होते हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कितने नंबर्स होते हैं और टोटल कितने पैन में आपके डिजिट्स रहते हैं नंबर्स प्लस अल्फाबेट मिला करके, तो यहाँ पर सिर्फ नंबर्स पूछा है, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिए कि कितने नंबर्स मैंने आपको उसमें बताए थे कि कितने नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट सिक्स थे, नंबर्स कितने होते हैं कमेंट करिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंपनी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जाती है, कंपनी ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी जो होती है उसके ऑडिटर जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो किसी कंपनी में ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, शेयर धारक करेंगे, निदेशक करेंगे, प्रबंध निदेशक करता है या फिर केंद्र सरकार करती है, तो उसकी जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है शेयर धारकों यानी कि शेयर होल्डर्स के द्वारा, कहाँ पर होती है, जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं, जो कंपनी की वार्षिक सभाएं होती हैं उसके अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा एक चीज़ यहाँ बहुत ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर प्रथम अंकेक्षक के बारे में पूछा जाता यानी कि फर्स्ट ऑडिटर पूछा जाता, तो वो फर्स्ट ऑडिटर जो होता है तो उसकी नियुक्ति जो करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन जो नॉर्मली अंकेक्षक होता है, लेखा परीक्षक होता है, उसकी जो नियुक्ति की जाती है वो शेयरधारक यानी कि अंशधारकों के शेयर होल्डर्स के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष लेखांकन कार्य को लेखा परीक्षा से अलग किया, इन विच ईयर डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेपरेट अकॉर्डिंग फंक्शंस फ्रॉम ऑडिट, 1976, 1785, 1990, 1967। क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि जो अकाउंटिंग होती है और जो ऑडिट होता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अलग अलग किया था, कि ये दोनों अलग अलग काम हैं, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं, तो इसको जो अलग किया गया था उसे 1976 में किया गया था। तो क्वेश्चन ये आता है कि कब ये साथ में आए थे, तो 1971 में जो आपका कैग एक एक्ट आया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट 1971 जो आया था, तो उसके अनुसार दोनों को एक में ही रखा गया था कि जो कैग होगा, महालेखा नियंत्रक परीक्षक होगा, वही दोनों कार्यों को करेगा, उसी की ड्यूटीज होंगी गवर्नमेंट के लिए कि दोनों कार्यों को करे, ऑडिटिंग भी और अकाउंटिंग भी। लेकिन 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, दोनों को सेपरेट कर दिया था, दोनों फंक्शंस को। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक लेखा परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जा सकती है, स्टेटरी ऑडिट में भी कंडक्टेड बाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ऑफ द इंटरप्राइज, एनी पर्सन नोइंग अकाउंटिंग, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि जो वैधानिक अंकेक्षक होता है या फिर लेखा परीक्षा होती है उसको कौन आयोजित करता है, तो यहाँ पर वैधानिक लेखा परीक्षा की बात की जा रही है, स्टेटरी ऑडिट की बात की जा रही है, तो उसको कोई भी जो भी व्यक्ति कर रहा होगा उसको क्या होना जरूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, जो ICAI है उसके द्वारा वो व्यक्ति क्या हो, उसका मेंबर हो, उसका सदस्य हो, उसके द्वारा ही वैधानिक अंकेक्षण का काम किया जा सकता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग अधिनियम 1971 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल डैश है, एज पर कैग एक्ट 1971 द टेनर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज डैश 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स। जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, उसका जो कार्यकाल होता है कितनी अवधि तक यानी कितनी उसकी सर्विस पीरियड रहती है, तो वो रहती है आपकी 6 ईयर की, मोस्टली जो होता है 5 ईयर तक का रहता है, तो आप लोग वही लगा देंगे आंसर, लेकिन वो गलत हो जाएगा, 6 साल का होता है उनका कार्यकाल। तो एक आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है।
कहीं कहीं पर इसको आप जो ये एक्ट है CNAG एक्ट भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। कहीं कहीं पर अब इस तरह से भी लिखा आ सकता है, कहीं कहीं पर कैग लिख दिया जाता है, कहीं कहीं पर CNG एक्ट भी इस तरह से भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब भी कैग है और ये भी आपका कैग ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धारा 80C, 80CCC और 80CCD के तहत कटौती की कुल राशि डैश से अधिक नहीं हो सकती। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD कैन नॉट एक्सीड डैश। ₹1,10,000, ₹2,00,000, ₹1,00,000, ₹50,000। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों को मिलाकर के जो भी दिया जा रही होती है छूट, वो उसकी टोटल अमाउंट जो होता है किससे अधिक नहीं हो सकता है। तो किससे अधिक नहीं हो सकता, तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो हो जाएगी 1,50,000, 1,50,000 रुपये, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, ये चीज़ें जो होती हैं बदलती रहती हैं लिमिट्स, इस वर्ष की ये है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर कुछ और बदल जाए। जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी इनकम टैक्स की बात होती है तो अपडेट रहा करिए, चीज़ें बदलती रहती हैं उसमें, क्योंकि हर वर्ष नया आ जाता है इनकम टैक्स एक्ट में, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो अपडेट रहिएगा। अभी करेंट में 1,50,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भविष्य निधि में हर साल कर्मचारियों के योगदान के संबंध में धारा 80C के तहत कटौती की अनुमति नहीं है। इन विच ऑफ दीज प्रोविडेंट फंड्स डिडक्शंस इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज एवरी ईयर। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रोविडेंट फंड होते हैं, तो वहां पर जो हर साल जो कर्मचारियों का कुछ योगदान रहता है, उसके संबंध में धारा 80C के अंतर्गत कटौती नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड होता है वो कई तरह का रहता है, जैसे कि यहीं पर बता रखे हैं आपके चार तरह का, तो किसकी कटौती नहीं मिलती है इसके अंतर्गत, वो कौन सा हो जाएगा, जो आपका गैर मान्यता प्राप्त होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड होता है, उसकी कटौती नहीं दी जाती है, बाकी तीनों की मिलती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवास के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंट द SSC आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो करदाता होता है, क्योंकि आपको पता होगा टैक्स जो होता है वो सिटीजनशिप पे नहीं लगता, नागरिकता पे नहीं लगता, बल्कि रेजिडेंशियल स्टेटस पे लगता है, जो निवासी स्थिति होती है उसके आधार पे लगता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल पर्सन किसी भी फाइनेंशियल लेयर में भारत का सिटीजन ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो रेजिडेंट हो, वो डिपेंड करता है, कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं और कुछ आपकी एडिशनल कंडीशंस होती हैं, उसके बेसिस पे उसको निकाला जाता है। कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, तो वो हो जाती है तीन। तीन कैटेगरीज होती हैं, कौन सी होती हैं, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, एक नॉट ऑर्डिनरी होता है और एक नॉन रेजिडेंट होता है, यानी कि साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, इन तीन तरह से बांटा जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल व्यापार में आयकर यहाँ पर होगा दिखाया जाता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इनकम टैक्स होता है वो कहाँ पर दिखाया जाता है जब बात की जा रही होती है सोल ट्रेडिंग की। इनकम टैक्स इन सोल ट्रेडिंग इज राइटिंग इन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कहाँ दिखाया जाता है, तो उसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, जो आपका आर्थिक चिट्ठा होता है उसमें दिखाया जाता है। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन पर TDS का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा डैश के तहत किया जाता है। प्रोविजन ऑफ TDS ऑन सैलरी और डील अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, 196, 198, 194, 192। यहाँ पर क्वेश्चन में TDS क्या होता है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, तो ये किस धारा में या किस सेक्शन के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, तो किस सेक्शन में किया गया है, 192 में किया गया है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश इज फॉर इंडिविजुअल HUFs एंड फर्म्स अदर देन LLP बीइंग A resident having total income up to ₹50,00,000 and having income from business and profession which is computed under section 44AD, 44ADA or 44AE.
व्यक्तियों या फिर जो हिंदी आधारित परिवार होता है HUFS जिसे बोला जाता है, और फर्मों LLP के अलावा के लिए जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और व्यवसाय और पेशे से आए हैं, जिनकी गणना धारा 44AD, 44ADA या फिर 44AE के अंतर्गत की जाती है, तो उनको कौन सा जो आपका ITR होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है, वो फिल करना होगा। ITR 4, ITR 7, ITR 6, ITR 5 कौन सा भरना होता है उन्हें? उन्हें ITR 4 भरना होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आ गया होगा। LLP क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं LLP की फुल फॉर्म को, ध्यान में रख सकते हैं आप, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो LLP हो जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा जरूर से जरूर। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस के लिए, और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।